ये पंछी का नाम क्या है? ए, 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 चुप चुप। इसमें पानी दिए थे और साथ में जहर भी दिए थे। जहर का पानी पी करके ये पंछी गया। आज 150 रुपीज हाथ में आया तो फिर से बैग लेकर के आ गए। नया चप्पल खरीदेंगे आपके लिए। मेरा का? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है पापा? बढ़िया ना? बढ़िया। हाँ, इसको दाग होने मत दो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और भोर सुबह का घर का काम जाम फिनिश करके हम दोनों आ गए हैं बाप बेटा मार्केट, मार्केटिंग करने के लिए। दोस्तों कल भी मार्केटिंग करके लाया हूँ और कल मछली पछली खाए थे। पापा बट बोल रहे थे, 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं कि मटन खाऊंगा मटन खाऊंगा। तो फाइनली आज पापा को लेकर के आ गया हूँ मार्केट मटन खरीदने के लिए। नहीं पापा? हाँ हाँ, चलो बैग फेंक। पैसे मैंने दिया था ना आपको, रखे हो? हाँ हाँ, चलो चलो। और साथ में एक दोस्त भी मेरा आया है। और आज बहुत ही पहले ही हम लोग आ गए हैं। मार्केट उतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ है दोस्तों, भीड़ नहीं हुआ है। कितना लेंगे पापा? कितना लेंगे? 1 kg या 500 या उससे भी कम? 500। चलो, कहाँ कहाँ का पीस लेना है आप ही बताइए, उसको बता दीजिए कहाँ कहाँ का पीस लेना है। ना ना, चोर भी है तो दबो नहीं बस। यार मटन ले लिए है, हम लोग सोचे थे 500 ग्राम लेंगे और उसको भी बोले थे 500 ग्राम ही, चेंज नहीं था इसी वजह से वो 600 ग्राम दे दिया। पापा बहुत ज़्यादा खुश है, बोल रहे हैं कि जल्दी जाएंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आपके लिए आज एक नया चप्पल खरीदेंगे आपके लिए। मेरा का? हाँ हाँ। पापा को पता नहीं था कि मेरे लिए आज मेरा बेटा चप्पल खरीद देगा, उसका पूरा टूट फूट तोड़ फोड़ होकर के बर्बाद हो गया है। पापा के लिए दिखाओ ना एक चप्पल। हाँ हाँ, सही बढ़िया डिजाइन रहा था। पहले भी इससे वाला ही पहन रहे थे शायद पापा, सेम टू सेम। हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी ट्राई करो ना। क्या हुआ पापा, बड़ा होगा? बड़ा होगा। और थोड़ा छोटा साइज भैया दिखा। यार मैं पापा को बोलता हूँ कि थोड़ा बड़ा साइज पहना करो, बड़ा साइज पहनने से चप्पल ज़्यादा दिन तक टिकता है, लास्टिंग करता है। और फिटिंग अगर पहनोगे तो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, एक्सपायर हो जाता है। और आज भी ऐसे फिटिंग टाइप का ही चूज कर रहे हैं पापा। देखिए पैर में नहीं हो रहा है फिर भी ट्राई कर रहे हैं। ये वाला नहीं पा, अभी बढ़िया वाला दिखाया है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है ना पापा। इधर देखो, बढ़िया हो रहा है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, एक बड़ा वाला था एक बहुत ही छोटा वाला था, ये मिड वाला दिया तो ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग हुआ। प्राइस 60 टका? प्राइस 60 रुपीज? इतना ज्यादा? इतना ज्यादा है? इलेक्शन टाइम में सब कुछ सस्ता चल रहा है बोल रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट हमारा मोदी सरकार बोल रहा है कि सब कुछ अभी सस्ता में ही मिलेगा। बोलने से क्या होगा, वही तो देश चला रहा है ना। जरूर लाएगा ना। ठीक प्राइस बताओ भैया। अरे भाई डिस्काउंट करके बताओ ना, एक ही प्राइस में तो कभी भी डील नहीं होता है। अरे थोड़ा बार्गेन। हाँ क्या माल? होलसेल माल। होलसेल मत बताओ, बताओ कि ये ब्रांड माल है। चलो चलो डिस्काउंट करके बताओ। पापा आप बताओ ना, आप प्राइस बताओ कितने में लेंगे? 60 रुपये जो बोल रहा है, बार्गेनिंग करो आप थोड़ा। 40 40? 5 नहीं, 40 बताओ। बिना चप्पल पहन कर दुकान आए हैं? पहन करके ही तो हम लोग आए हैं ना। अरे भाई ऐसा कुआ नहीं, तुम्हें तो दुकान रू सब दिन लौचे ये चप्पल भी तुम दुकान रू नहीं आई थी ना बापा।
नहीं ये चप्पल भी यही दुकान से हम लोग खरीदे थे भाई, आपको बोल रहे हैं हम लोग डेली कस्टमर है फिर भी नहीं मान रहे। 40 कहते कहते अब भाई 60 रुपीज नहीं होगा भाई, चलो हम आपका बात रख रहे हैं 50 रुपीज देंगे। नहीं नहीं 5 रुपीज नहीं 10 रुपीज यार 10 रुपीज के लिए हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। मेरे पास ये चप्पल कंपनी से प्रमोशन आता है, प्रमोशन यानी दुकान खोलने के लिए मुझे बोलते हैं, और ये सब चप्पल का प्राइस क्या है मुझे पता है अच्छे से। कपड़ा दुकान से भी मुझे प्रमोशन आता है, कपड़ा दुकान खोलने के लिए मुझे बोलते हैं इतना पैसे दो, तो मुझे पता है कपड़ा क्या रेंज में मिलता है स्टोर में, चप्पल भी और क्या रेंज में मार्केट में बेच रहे हैं। दे पैकिंग करो। वेल यार हम लोग मार्केट से वापस घर लौट कर आ गए हैं और एक चीज़ में नया चीज़ ही देने जा रहा हूँ पापा को दोस्तों। मैं मेरे लिए बहुत दिन पहले टी शर्ट खरीदा था दोस्तों बेनियन ऐसे ही, तो 3 खरीदा था, 3 से 2 को मैं यूज किया हूँ और एक मैं उसको टोटल यूज नहीं किया हूँ, वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, पापा के पास बढ़िया होगा, तो वही बेनियन को आज पापा को मैं देने जा रहा हूँ। निकालिए पापा। हाँ और नया वाला निकालिए इधर का। हाँ हाँ सफ़ेद वाला, लेकिन आप टिक पाओगे या नहीं ये कपड़ा को, आपका बॉडी में तो बहुत ही बढ़िया मानेगा बट इसको ऐसे ही अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा ये बनियन को, तब जाकर के अच्छा लगेगा। पहन करके देखो ना, ओह भाई पापा देखिए ना बहुत ही जल्दी ट्राई करने जा रहे हैं बहुत ही। चलो पहनो ये थोड़ा क्या यंग वाला बनियन है पापा, एज्ड वाला बनियन नहीं है, यंग पर्सन ऐसे बनियन पहनते हैं, देखते हैं उल्टा है। बहुत ही स्मूथ बनियन है, दाग होने मत दो ये बनियन को, समझ में आया आपा। देखिए दोस्तों बढ़िया लग रहा है या नहीं, NTR या क्या लिखा हुआ है, मुझे लगता है ऐसे बनियन यंग पहनते हैं बट पापा के पास तो बहुत ही बढ़िया हुआ। वाओ सुपर माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक। थोड़ा खींचो ये कलर को, थोड़ा साइज करो। चलो और थोड़ा पीछे जाओ। बेनियन को थोड़ा ऐसे करो, नीचे उतारो। हाँ नीचे वैसे नहीं, लंबा से ही है पा, पापा को मैं जैसे पहनता हूँ पापा वैसे पहनते नहीं है। घूमो। वाह कैसा लग रहा है पा, बढ़िया ना। हाँ इसको दाग होने मत दो, हाँ, अच्छे से ही पहना करो, और इसको पहन करके कभी भी जंगल मत जाओ बकरी चराने के लिए, इधर घर में नहीं हाँ। तो इधर उधर जब जाओगे तब ऐसे नॉर्मल हाथ फाट। हाँ हाँ बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मान रहा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बता दो, और एक आपके लिए अच्छा वाला चप्पल खरीदेंगे और एक शर्ट खरीदेंगे, और कुछ दिन वेट करो, एक अच्छा प्रोफेशनल चप्पल और एक प्रोफेशनल शर्ट, समझ में आया। आराम से धीरे धीरे बांधो, उतना पास मत जाओ मार देगा नहीं तो, आराम से। हाँ ये तो टूट गया, ओ भाई टूट गया पा। हाँ क्या करेंगे, मोटू और पतलू को हम लोग रिमूव कर लिया है, हम लोग सुबह सुबह ही खूंटाए थे, अभी एक बार रिमूव किए हैं और एक बार हम लोग रिमूव करेंगे, उसके बाद पानी पीने के लिए लेकर जाएंगे नहीं। हाँ। और आज सुबह सुबह पापा 150 रुपीज का प्रॉफिट कर लिए हैं 4 बीज बेच करके दोस्तों। जंगल में जब बकरी चराने के लिए आते हैं तब बैग लेकर के आते थे और 4 बीज कुढ़ा करके लेकर जाते थे, 1 kg कुढ़ाए थे, 1 kg में 150 रुपीज पापा का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हुआ टोटली नहीं कुढ़ा रहे थे क्योंकि जंगल में खत्म हो गया है नहीं पापा, इसी वजह से नहीं कुढ़ा रहे थे। आज 150 रुपीज हाथ में आया तो फिर से बैग लेकर के आ गए हैं। दो ये पानी थोड़ा दो ना, पानी थोड़ा पीऊंगा। चलो भगाओ, कहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ओ भाई चलो पकड़ो, पानी थोड़ा पिलाएंगे इसको, चलो पकड़ो, चलो उड़ गया। ये रहा भाई बच्चा है। हाँ ये उड़ने के लिए सीख रहा है। आओ रे बेटा आओ। चल पकड़। यार हम लोगों को एक पंछी बच्चा मिल गया है, चलो पकड़ो यार। पकड़ लिया, देखो ना। ओ भाई ये पंछी का नाम क्या है? ए चुप। उसका मम्मी आ गई, देखिए वो रहा उड़ रही है। कै 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 कै
देखिए ना, मॉम डैड सब आ गए हैं। उधर देखिए, थोड़ा बहुत पानी पिला करके हम लोग छोड़ देंगे दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया पिया। चलो चलो और एक बार, चलो पी लो। कितना बढ़िया पिया, देखिए दो पा, और एक बार दो। बस बस आ कर लिया पहले ही। चलो चलो लो बेटा, लो 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 लो, लो। चलो इसको धो लो, टेपी को दो, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दे, छोड़ देंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे? हाँ। हाँ? हाँ, ये क्या बोल रहे हो, पालेंगे नहीं पालेंगे? पैरेट को हम लोग बचा नहीं पाए, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दो, चलो जाओ 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 जाओ। इधर इधर रखो ना, इसमें रखो इसमें रखो। चलो वेरी गुड, जो धूप दे रहा है ना काल का पांची जैसा, ये पांची भी मार जाता। क्या खुला रहे हो पा? साल फूल नहीं? हाँ हाँ, दिखाओ ना, दिखाओ 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 दिखाओ। ये रहा दोस्तों साल फूल, ये फूल भी बिकता है। ये फूल नहीं दोस्तों, इसका बीज बिकता है। नहीं ये फूल है, फूल नहीं फूल है। हाँ हाँ फूल है, इसको फ्रेश करके ये सब हटा करके ये बीज जैसा जो दिख रहा है ये बिकता है। इससे क्या बनता है पा? ये मुझे तारा तेल 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 हुआ। हाँ। तेल हुआ तार दाना अच्छी। हाँ हाँ। दाना माने ये कि खावा होए खावा होए। हाँ। तहार झड़ा। हाँ, पानिया झड़ा। समझ में समझ में समझ में समझ में। सकल बंद हुआ। हाँ, सकल बंद हुआ। वाह क्या हिंदी बोले। पापा बोल रहे हैं कि ये फल से तेल बनता है और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनता है। अगर किसी को डायरिया हुआ है ये फल डायरेक्ट खाएगा तो डायरिया ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई उल्टी कर रहा है ये फल खाएगा तो उल्टी भी बंद हो जाएगा। ये फल पूरा जंगल में गिरा है, लेकिन ये फल हम लोग नहीं बेचते हैं दोस्तों, कुछ कुछ लोग बेचते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। देखिए ना, पूरा चारों तरफ चारों साइड पूरा जंगल, जिधर जाओ उधर ही मिलेगा। यार किस पापी इंसान बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। कल हम लोग इस पंछी को देख करके हम लोग गेस नहीं कर पाए कि ये किस कारण से मारा हुआ है। हम लोगों का माइंड में एक ही चीज़ आया कि ये पानी शॉर्ट होने के कारण मारा है, बट पानी शॉर्ट होने के कारण नहीं मारा है दोस्तों। इधर देखिए, ये चेक कर रहा है हमारा दोस्त। दिखाओ ना, इधर दो, मैं दिखा रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ, ये पेड़ के ऊपर देखिए कैसे सिस्टम करके पानी दिए थे। देखिए इसमें पानी दिए थे और साथ में जहर भी दिए थे। देखिए ये रहा जहर दोस्तों, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। देखिए पानी सूख गया है, इधर का पानी पी करके ये पंछी मर गया। यार ऐसे करना नहीं चाहिए था दोस्तों। फेंक दिया। हाँ हाँ, फेंक दिया नहीं, ये मर गया। और वो लोग शायद चेक करने के लिए नहीं आया, चेक करने के लिए आता तो ये पंछी को भी ले करके जाता। वो हमारे इधर तो पंछी साहब को भी खाते है ना। किसने फोन किया? तो देते हैं इधर ही। चलो चलो काम में जैसे ना आए, नहीं तो फिर से वो करेगा। और मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहा है, मैसेज में लिखा हुआ है आपका एरिया में तगड़ा पवन के साथ बारिश होगा। जितना भी मोबाइल है सब मोबाइल में एक ही मैसेज आ रहा है दोस्तों। और अभी मौसम पूरा चेंज कर दिया है, पूरा बादल बादल सा किया है और साथ में पवन तगड़ा दे रहा है, पूरा तगड़ा पवन दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 2:30, लग रहा है आज जरूर बारिश होगा। कैसे स्टाइल में कटूंगा? सिंपल सिंपल है। चलो यार, पापा को मैं जितना बार भी काटा हूँ सिंपल ही काटा हूँ। और यार आप लोग से कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप एलिफेंट देखने के लिए गए थे, टोटली मदद नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मन में आया कि हम लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे, वैसे ऑप्शन ही नहीं है यार रेस्क्यू करने के लिए। कैसे रेस्क्यू करेंगे हम लोग? रस्सी से बांध कर खींचेंगे या उधर जा कर के धक्का मारेंगे या क्या करेंगे या कीचड़ उठाएंगे? मेरा आइडिया में टोटली नहीं आया। अगर आप लोगों का आइडिया में है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दो। इन फ्यूचर अगर हमारे एरिया में ऐसे फंस जाएंगे तो हम लोग ज़रूर रेस्क्यू करेंगे। यार हम लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे? रस्सी से हम लोग खींच कर उठा पाएंगे? उधर जितने भी लोग थे सभी लोग मिल करके हम लोग चाहते तो फिर भी हम लोग उठा नहीं पाते, धक्का मारते तो फिर भी हम लोग नहीं उठा पाते, कीचड़ उठाते तो फिर भी हम लोग उठा नहीं पाते। खुद का जान को ही हम लोग रिस्क में डालते और कुछ नहीं। अगर हम लोग रेस्क्यू तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर कोशिश करते तो फिर डिपार्टमेंट वाला हम लोग को गालियाँ देते, बोलते कि हम लोग क्या दाल भात खाने के लिए नौकरी किए हैं, हम लोग क्यों नौकरी किए हैं, ज़रूर बोलते। एलिफेंट का कुछ हो जाता जैसे कि अभी मर गए, अगर मर जाता तो तब हमारा क्या होता?
नॉन अवेलेबल दोस्तों, जंगली जानवर एनिमल को अगर आप लोग मारोगे तो नॉन अवेलेबल जेल, बेल नहीं है, जिंदगी भर जेल में ही सड़ जाओगे। उधर जेसीबी से रेस्क्यू करने के लिए ट्राई कर रहे थे, जेसीबी और ट्रैक्टर से, दो गाड़ी से ही सक्सेस नहीं हो पाए। उधर बार बार जेसीबी से खींचने के लिए ट्राई किया, रस्सी से बांध करके रस्सी बार बार टूटा। मैं क्लिप डाल रहा हूँ दोस्तों, इधर आप लोग देख लेना, बार बार रस्सी टूटा। ट्रैक्टर वाला तो ट्राई ही नहीं किया, वो बोला कि ये मेरे पास का बात नहीं है, ये सब पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। आदमी हम लोग पब्लिक के द्वारा ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए सेपरेटली एक रेस्क्यू टीम है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला रेस्क्यू टीम को ना बुला करके खुद ही ट्राई किए, डिपार्टमेंट वाला ये काम नहीं कर पाएंगे और ये काम करना भी नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट वाला को काम करना चाहिए था कि किसी भी तरह रेस्क्यू टीम को बुलाना। अगर आप लोगों का मन में कुछ आइडिया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करने से आप लोग रेस्क्यू कर पाओगे, हमारा काम में आएगा दोस्तों। हम उस एरिया में जी रहे हैं, इन फ्यूचर जब भी अगर फंस जाएंगे तो हम लोग जरूर ट्राई करेंगे वैसे। वेल यार, नहा धोवा करके हम लोग फ्रेश हो गए हैं, अभी पापा चले गए हैं बड़े पापा के घर, उधर रिश्तेदार आए हैं ना, उन रिश्तेदार के साथ बातचीत करने के लिए। और अभी मैं धीरे धीरे जो मार्केटिंग करके हम लोग लाए हैं वही हिसाब को मैं कुक करूँगा। आप लोग को तो पता है हम लोग क्या लाए हैं, मटन। आज मटन करी होने वाला है दोस्तों घर में। तो और हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आज का छोटा सा ब्लॉग को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ है भगवान को कि आप सब कर ले अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।